so student now let's open this powerpoint then this kind of interface will come you have to go to this plus ta, uh, plus sign i'm clicking here then yahan pe aapne kya karna hai apna presentation choose करना है, है यहाँ पे देखिए आपको काफी सारे templates दिखाई दे रहे these are the templates all the, from from among these uh, templates you can use any templates नाउ आई लाइक दिस सो आई चूज़ दिस ठीक है अब मैंने इसे चूज़ किया है अब देखिए यहाँ आपको अगर आप फर्स्ट टाइम यहाँ इसे लॉग इन करे हो तो आपको इस तरीके का हर चीज़ का मीनिंग यहाँ पे दिया जाता है जैसे कि प्रेजेंटेशन का मतलब यहाँ पे दिया गया है वी गेव यू अ फाइल प्रेस ऑर्डर नेम टैप हीयर टू रिनेम एट इसका मतलब है कि ये बाय डिफ़ॉल्ट नाम है मेरे प्रेजेंटेशन का मैं चाहूँ तो मेरे प्रेजेंटेशन का नाम चेंज कर सकती हूँ ठीक है अब देखिए इस तरीके का क्या है फ्रेम है मेरा अब यहाँ क्या बोला है टाइटल क्या टाइटल है जस्ट आप इसको क्या करेंगे क्लिक करेंगे और यहाँ पे जो भी टाइटल देना चाहते हो जैसे कि मैं आप देना चाहती हूँ कि कंप्यूटर ठीक है देखिए मैंने यहाँ पे ऐसे डबल क्लिक कर दिया है आप ये बोला एडिटिंग टेक्स्ट देखिए मैं यहाँ पे लिख रही हूँ कंप्यूटर ठीक है और सब टाइटल क्या है कंप्यूटर में प्रेजेंटेशन है ना प्रेजेंटेशन इस तरीके से कर दिया है ओके okay, फाइन ओके okay, चलिए तो हमारा पहला स्लाइड बन गया है अब इस स्लाइड के ऊपर आप कुछ नोट से कुछ कमेंट लिखना चाहते हो तो आप यहाँ जा सकते हो ये देखिए प्लस साइन यहाँ पे जाके आप कुछ नोट या कुछ कमेंट लिख सकते हो जैसे कि मैं यहाँ लिख रही हूँ इट इज़ फॉर प्रैक्टिस पर्पज़ ठीक है तो ये मेरा कमेंट हो गया है मैंने क्लिक कर दिया है ठीक है नाउ अब देखिए अब हम अब इस कमेंट को हमने क्या कर दिया है क्लोज कर दिया है आप नोट्स में भी कुछ लिख सकते हो प्रेजेंटेशन स्लाइड वन ये आपकी मर्जी है आप कुछ भी लिख सकते हो जस्ट नोट आप क्लिक करोगे तो ये दिखेगा कमेंट क्लिक करोगे तो जो मैंने लिखा था वो दिखेगा ठीक है आप इसने क्लोज़ करना है ना वॉट यू विल डू अब आप दूसरा स्लाइड इसमें ऐड करना चाहते हो तो यहाँ पे प्लस सेक्शन में चाहिए ठीक है स्लाइड ऐड हो गया अब देखिए ये जो दिखाया है आपको इस तरीके का स्लाइड चाहिए क्या या कुछ और चाहिए तो आप यहाँ जा सकते हो लेआउट्स में और यहाँ पे अलग अलग टाइप्स के आपको लेआउट दिख रहे हैं उनमें से कुछ भी चूज़ कर सकते हो जैसे कि मैंने ये कॉलम वाला यहाँ पे पैरानिक और पिक्चर वाला है कुछ तो जैसे कि देखिए मैंने इस तरीके का चूज़ किया यहाँ पर हम पिक्चर ऐड कर सकते हैं देखिए हम एक पिक्चर ले रहे हैं ये पिक्चर हमने ले लिया है क्लियर अब ये जो है हमने ऐड कर लिया है यहाँ क्लियर अब देखिए यहाँ पे कुछ टैप आप टाइटल दे सकते हो जैसे कि ये पिक्चर किससे रिलेटेड है तो भाई मॉर्निंग कोट है ये ठीक है दिस इज़ द मॉर्निंग कोट मॉर्निंग ये मॉर्निंग कोट है इसके बाद ये कौन सी वेबसाइट से हैं तो कोर्ट्स वेबसाइट से हैं क्यों यू ओ टी ई कोट्स डॉट कॉम ठीक है -e इस तरीके से इसका कुछ इन्फॉर्मेशन मैंने दे दिया ये मेरा सेकंड स्लाइड हो गया अगेन आई वांट टू ऐड वन स्लाइड अब जिस तरीके से पहला स्लाइड आपने ऐड किया था दूसरा भी वैसे आएगा लेकिन आप उसमें क्या ऐड कर, करना चाहते हो उसके हिसाब से आपको उसका लेआउट चूज़ करना है जैसे आप मुझे इस तरीके का लेआउट चाहिए मतलब एक तरफ इधर में टेक्स्ट होगा, इधर में भी कुछ होगा ठीक है तो देखिए अब हमने क्या किया है इस तरीके से दूसरा स्लाइड हमने ऐड किया है अब इसमें आप कुछ लिखना चाहते हो या कुछ कुछ दूसरा ऐड करना चाहते हो तो यू कैन इट बाय गोइंग टू द इंसर्ट टैब आप इंसर्ट में जाइए यहाँ पे आपको काफ़ी सारी चीज़ें मिलेंगी आप यहाँ पे टेबल भी ऐड कर सकते हो देखिए आ गया है टेबल ठीक है आप आ, टेबल को स्टाइल दे सकते हो अब मुझे टेबल वगैरह नहीं ऐड करना है मैं इंसर्ट में गई फिर से मुझे यहाँ ऐड करना है शेप्स देखिए मैंने यही सर वाला शेप ऐड कर दिया तो आप समझ रहे हो आप यहाँ पे अपनी मर्जी से कुछ भी ऐड कर सकते हो क्लियर देन देन ये जो सारी चीजें हैं तो देखा आपने इस तरीके से आप इंसर्ट में जाके इंसर्ट कहाँ से जाएंगे इस टैब में आपको क्लिक करना है फिर इस टैब में फिर यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शंस दिख रहे हैं आप यहाँ से क्या कर सकते हो अपने जो भी प्रेजेंटेशन है उसको और इंटरेक्टिव बना सकते हो ठीक है जैसे कि हमने अभी इंसर्ट में ही गए हैं इंसर्ट में हम कुछ और ऐड करना चाहते हैं जैसे कि साउंड ऐड करना चाहते हैं अब साउंड में देखिए क्या साउंड है आपके पास तो यहाँ पे ऑडियो फाइल से मेरे पास काफ़ी सारी तो देखते हैं क्या है शायद कुछ भी ऑडियो फाइल्स नहीं है मेरे पास ये तो ब्लैंक कुछ तो है चलिए और कुछ देखती हूँ म्यूज़िक में कुछ होगा तो वो ऐड करेंगे देर इज़ नो म्यूज़िक ओल्सो अरे गड़बड़ हो गया ठीक है चलिए रिकॉर्डर में कुछ होगा तो रिकॉर्डिंग में तो मैं मेरी आवाज़ रिकॉर्ड करके यहाँ पे डायरेक्टली डाल सकती हूँ जैसे कि मैं जो भी अभी आपको बोल रही हूँ वो देखिए यहाँ पे रिकॉर्ड हो रहा है इसको ओके कर दूँगी और ये सब वहाँ पे क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा देखिए इस तरीके से जब भी आप कोई आवाज़ ऐड करते हो ऐसा साइन आ जाता है इसको आप कम छोटा बड़ा कर सकते हो स्लाइड छोटा बड़ा हो गया देखो इस तरीके से अब आप यहाँ पर वीडियो ऐड करना चाहते हो ओके वीडियो जी ये वीडियो आप रिकॉर्ड भी कर सकते हो ऑन द स्पॉट और उसको ऐड कर सकते हो वीडियो फाइल्स में जाते हैं काफ़ी सारे वीडियोस दिख रहे हैं यहाँ ये कुछ है छोटा सा ओके कर दिया मैंने देखिए ये आ गया है वीडियो इसको आप रिसाइज़ कर सकते हो काफ़ी छोटा हो गया ठीक है इसको मैं इस तरीके से रिसाइज़ कर दूँगी ठीक है तो ये यहाँ पे है अब देखिए मैं आप अभी ये सारी जो चीज़ें हैं ये किस तरीके से प्ले होंगी जैसे आपने इसको क्लिक कर दिया तो ये प्ले होना शुरू हो जाएगा ये छोटे से फ्रेम में ही फ्रेम प्ले होगा ठीक है जैसे कि देखिए वन मोर टाइम इस तरीके से वो प्ले हो रहा है ठीक है अब ये जो है यहाँ पे क्लिक करो तो आपका साउंड बजना शुरू हो जाएगा हम यहाँ पे ट्रांजिशन ही देते कि हमारा स्लाइड किस तरीके से आए तो मैं चाहती हूँ कि मेरे सारे स्लाइड्स जो है वो कैसे आए इस तरीके से आए देखो इफेक्ट आप देख सकते हो इफ़ेक्ट कैसा हो रहा है इसको ट्रांजिशन इफ़ेक्ट इस तरीके से तो क्लियर देन हम जाएंगे यहाँ एनिमेशन एनिमेशन में इसको सिलेक्ट किया अब ये किस तरीके से आना चाहिए ये नीचे से फ्लाई होते हुए आएगा कंप्यूटर जो है ये स्पिन होते हुए आएगा ठीक है तो ये हो गया हमारा एनिमेशन देन चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर क्लियर नेक्स्ट स्लाइड को देखिए अब इसको मैं किस तरीके का एनिमेशन देना चाहती हूँ आप यहाँ एनिमेशन में जाएंगे इसको ग्लो करेंगे और ये जो है ये आपका इस तरीके से होगा अच्छा ये तो हो गया आपका एनिमेशन देन इसको ट्रांजिशन कैसे होगा मतलब आपकी स्लाइड कैसे आनी चाहिए तो स्लाइड के लिए इस तरीके से आएंगे ठीक है अब थर्ड को भी देखिए थर्ड में काफ़ी सारी चीज़ें हैं तो इसको पहले हम ट्रांजिशन दे देते हैं ट्रांजिशन में ट्रांजिशन इफेक्ट में जाएंगे इस तरीके का ट्रांजिशन दे दिया है देन मैं एनिमेशन में जा रही हूँ एनिमेशन में मैं इस टेबल को दे रही हूँ टेबल कैसा आना चाहिए भई इस तरीके से आना चाहिए ठीक है देन ये कैसा आना चाहिए इसने कुछ प्ले पॉज ये भी पल्स के इसमें आना चाहिए ठीक है इसमें शायद साउंड था नहीं हमारा कुछ तो इस तरीके से हमने एनिमेशन दे दिया है अब देखिए ये एनिमेशन आप प्ले कैसे करोगे ओके यहाँ पे देखिए ये भी आपको क्या है एक साइन दिख रहा है यहाँ यू कैन सी द साइन ये साइन यहाँ पे भी क्लिक करने से आपका क्या होगा स्लाइड शो शुरू हो जाएगा अदरवाइज गो टू दिस एरो यहाँ पे आपको स्लाइड शो करके आता है स्लाइड शो में आप करोगे बिगनिंग बिगनिंग बोले तो पहले स्लाइड से आपको सब दिखेगा बिगिनिंग फ्रॉम द बिगिनिंग से देखते हैं देखिए ऐसे आएंगी देन ये आ गया देन ओके देखिए किस तरीके से एनिमेशन हो रहा है फिर नेक्स्ट स्लाइड इस तरीके से ओपन हुई फिर ये इस तरीके से कुछ उसको ट्रांशन दिया था हमने एनिमेट किया था फिर इस तरीके से फिर ये नेक्स्ट यहाँ पे क्लिक करोगे तो साउंड बजेगा यस ओके यहाँ क्लिक करोगे तो ये देखिए ये हो रहा है ओके ये इसको हमने कुछ शायद एनिमेशन नहीं दिया था इसीलिए कुछ हुआ नहीं तो इस तरीके से आपका स्लाइड शो बन जाएगा